अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जन्नत की सीरीज़ के ज़मन में आज जो अहादीस मुबारक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसमें पहली हदीस जन्नत के बाज़ार से मुतालिक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान पाक है कि जन्नत में एक बाज़ार होगा, जन्नती हर जुमे को वहाँ जाएंगे, फिर एक बहुत ही खूबसूरत हवा चलेगी जिसे बादे सबा चलेगी, जिससे इनके चेहरे और कपड़े खाक आलूद हो जाएंगे। और वो याद रहे, खाक भी जन्नत की है, और जन्नत की खाक ये दुनिया की खाक वाली खाक नहीं है, खुशबूदार है और मिट्टी भी नहीं है। अच्छा, वो जब चलेगी ना और उनके बदन पे पड़ेगी तो इससे उनका हुस्न और ख़ूबसूरती ये और बढ़ जाएगी और हसीन हो जाएंगे। और इस हाल में जब वो अपनी बीवियों के पास वापस लौटेंगे तो इनकी बीवियां इनसे कहेंगी कि अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम और ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत हो गए हो। वल्लाहि लक़द अज़दत्तुम बअदना हुस्ना व जमालन फ़यकुलून, तो वो जवाब देंगे वअन्तुम वल्लाहि लक़द अज़दत्तुम बअदना हुस्ना व जमालन, वो कहेंगे कि खुदा की कसम तुम भी हमारे बाद और ज़्यादा हसीन हो गई हो। तो ये जन्नत का मामला है, वह हुस्न बढ़ेगा। अच्छा, लोग पूछते हैं फिर जन्नत में जुमे का ख़बर कैसे होगी कि ना चाँद है, ना वहाँ पर सूरज है, ना वहाँ पर वक्त है। तो वो मोमिनीन अंदाज़ा हो जाएगा, जन्नतियों को अंदाज़ा हो जाएगा दुनिया की मुद्दत की मकदार के मुताबिक, वो ख़ुद ही पहुँच जाएंगे वहाँ पर। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये जो रिवायत मैंने आपसे ज़िक्र की है ना, इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, जहाँ इमाम मुस्लिम ने जन्नत का ज़िक्र किया है और उसके इनामात का ज़िक्र किया है, वहाँ इसे रिवायत किया है। अच्छा, इसी तरह हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अहले जन्नत एक दूसरे से कहेंगे कि चलो बाजार जन्नत की तरफ चलते हैं। फिर वो एक मुश्क के एक पहाड़ के पास जाएंगे, वहाँ से पलट कर जब वो अपनी बीवियों के पास पहुँचेंगे तो इनसे कहेंगे तुमसे ऐसी खुशबू आ रही है जो इससे पहले कभी नहीं थी। तो वो जवाब देंगे तुमसे भी ऐसी खुशबू आ रही है जो यहाँ से निकलते हुए नहीं थी। यानी बीवियों को शौहरों से ऐसी खुशबू आएगी जो उन्होंने पहले अपने शौहरों से नहीं सूंघी, और शौहरों को बीवियों से ऐसी खुशबू आएगी जो उन्होंने उन बीवियों से कभी नहीं सूंघी। इस रिवायत को, ये भी दर्जा सही की रिवायत है, तरगीब में रिवायत है। फिर इब्न अबी दुनिया भी इसे रिवायत करते हैं। अच्छा, तो ये तो मामला हो गया जन्नत के बाज़ारों का, ये मामला हो गया जन्नत की खुशबू का, ये मामला हो गया जन्नत में जुमे का। और एक बड़ा प्यारा नुक्ता कि यहाँ पर जब लोग अपने घर वापस लौटेंगे तो मियाँ बीवी की जो कॉन्वर्सेशन होगी ना, उसके अंदर भी हमें दो तीन बातें पता चलती हैं। एक दूसरे से मोहब्बत होगी, प्यार होगा, एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे, और वो ऊपरी तारीफ़ नहीं होगी, वो ऐसी तारीफ़ होगी जो ज़ाहिर बातिन से तारीफ़ होगी। और उस तारीफ़ में ये भी होगा कि तुम्हारा हुस्न बढ़ गया है, वो कहेगा तुम्हारा भी हुस्न बढ़ गया है, वो कहेगी कि भाई तुमसे खुशबू आ रही है, वो कहेगा कि तुमसे भी खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू आ रही हैं जो कभी हमने नहीं सूंघी। तो वहाँ मामला मोहब्बत का है, प्यार का है, मियाँ बीवी का। अच्छा, अब जन्नत की नहरों की बात कर लेते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि जन्नत में एक नहर है जिसके किनारे सोने के हैं, इसकी गुजरगाह हीरे जवाहरात की, और इसकी मिट्टी मुश्क से भी ज़्यादा उम्दा, और इसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होगा। अच्छा, ये जो रिवायत है ये इब्ने माजा में आती है, सुनन इब्ने माजा में, दर्जा सही की रिवायत है, और ये इसको जामिया सगीर में भी आती है। तो अब इसमें जो अल्फाज आते हैं ना, वो अलकौसर नहरु फिल जन्नती, तो कौसर का ज़िक्र है। अच्छा, फिर आपको इसी ज़मीन में एक और रिवायत भी सुना दूं। तो इसमें तो ये हो गया ना कि इसकी मिट्टी मुश्क से भी ज़्यादा उम्दा, और उसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, और इसकी गुजरगाह हीरे जवाहरात की,
और इसके किनारे सोने के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी कि उसका जो शोर होगा, या आप ये कहना नहर है ना, तो नहर के तो बैंक्स होते हैं, शोर तो समंदर के, तो उसके जो बैंक्स होंगे अल्लाह अकबर, वो सोने के बने हुए होंगे। सोने पे चल रहे हैं आप, यहाँ तो सोना उठा उठा के संभाल संभाल के रखते हो ना, वहाँ चलोगे सोने पे, सोने का फर्श है। अच्छा, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि जन्नत की नहरें मुश्क के टीलों और पहाड़ों के नीचे से निकलेंगी। अनहारुल जन्नति तखरुजु मिन तहत, तहत किसके निकलेगी, तहत कस्तूरी के टीलों और पहाड़ों के नीचे से। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुनते जाओ सुभान अल्लाह, पढ़ते जाओ, दुआ करते जाओ कि बारी ताला अता फरमा। और ये भी रिवायत दर्जा सही की है, इसको सही इब्ने हिब्बान में रिवायत किया गया है, और फिर ये तरगीब में भी आती है, और वहाँ पे भी इसे हसन सही का दर्जा मौजूद है कि भाई एक तुरक से तो हसन पे आती है और एक तुरक से सही के दर्जे पे आती है। वैसे सही इब्ने हिब्बान में आ गई तो वैसी भी दर्जा सही की रिवायत हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान पाक है कि जन्नत में एक समंदर पानी का है। अभी तो नहरों की बात हो रही थी ना, पिछली रिवायत में क्या था, अनहारुल जन्ना। अरबी में फ़र्क है, नहर को की जमा अनहार है, क्यों, नहर भी अरबी का वर्ड है। नून है, नहीं नून है, ये दो चश्मे वाला है, नून है हार वा, ये आपका जो हलवे वाला है होता है, वो तो ज़िबा को कहते हैं ना, वो तो नहर है, ये नहर है, तो अनहारुल जन्ना था। अब इस रिवायत में आता है फिल जन्नती बहर, जन्नत में एक समंदर है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और समंदर का पानी है। दुनिया में समंदर के पानी कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं, खारे होते हैं, सख्त खारे होते हैं, और कुछ तो डेड सी होते हैं कि इतना ज़्यादा उसके अंदर खारापन होता है कि कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती अंदर। लेकिन जन्नत के समंदर का क्या आलम है कि जन्नत में एक समंदर, समंदर का पानी है, और उसके उसका कैफियत ये है कि वो जन्नत का पानी है। तो उसकी सबसे बड़ी कैफियत क्या है कि वो जन्नत का पानी है। तो जन्नत में तो कोई चीज़ कड़वी कसैली हो नहीं सकती, तो वो जन्नत में एक समंदर पानी का है। फिल जन्नति बहरुल लिलमाई, अच्छा इसी तरह फरमाया वह बहरुल लिलबन, कि ये दूध का भी एक जो है वहाँ पे समंदर है, और वह बहरुल लिलअसल, और ये आपके शहद का भी एक समंदर है, वह बहरुल लिलखम्र, और ये शराब का भी एक समंदर है। थुम्मा, फिर इससे मुख्तलिफ नहरें जारी होंगी। तो अब समझ में आ गया कि जन्नत में जो नहरें जारी होती हैं उनका मंबा समंदर है, वो समंदर है, उससे फिर अल्लाह आगे नहरें जारी फरमाता है। तो अब ये जो रिवायत है ये भी दर्जा सही की तरगीब में आती है, ठीक है। अच्छा, इसे इमाम बैहकी ने सुननुल कुबरा में रिवायत किया है। अच्छा, अब आ जाएं जन्नत के दरख्तों के बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि इन्ना फिल जन्नति शजरा, जन्नत में एक दरख्त है, एक घुड़सवार इसके साय में 100 साल तक चलेगा लेकिन इसकी मुसाफत तय ना कर सकेगा। अगर इसका मिज़दाक चाहते हो तो कुरान की आयत पढ़ लो, वज़िल्लिम ममदूदिन वमाइन मस्कूब, कि उसकी कैफियत क्या होगी कि दूर दूर तक फैली हुई छाँव और हर दम रवा पानी से लुत्फ उठाएंगे, कौन, अहले जन्नत। तो अब ये जो रिवायत है, ये सूरह वाकिया की आयत है, ये भी बता दूं, ये जो रिवायत है ये सही उल बुखारी की रिवायत है, बदाउल खल्क में, और फिर जामिया तिर्मिज़ी में किताब तफसीर में आती है। इसी तरह एक और रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जन्नत का एक एक दरख्त इतना बड़ा होगा, इतना अरीज होगा कि इंतहाई तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार शख्स 100 साल तक इसके साए तले घोड़े दौड़ाने के बावजूद इसका फासला तय ना कर सकेगा। इन्ना फिल जन्नति शजरतन यसीरु राकिबुल जवादुल मुदमिरु सरीउ मियत आमिन ला यक्तउहा। अच्छा, इस रिवायत को सही मुस्लिम में रिवायत किया गया है, सिफ़तुल जन्ना व अहलिहा, और फिर सही बुखारी में भी किताबुर रिकाक में आती है, तो मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है।
ठीक होगी बात। अच्छा, सुलेम बिन आमिर बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबा कहा करते थे कि अल्लाह ताला हमें आराबियों और इनके सवालात के ज़रिए नफ़ा पहुंचाता है, यानी कि वो जो बद्दू होते हैं ना देहाती लोग, वो आते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि हमारे जहनों में वो सवाल भी नहीं होते, और फिर जब वो सवाल करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इनायत फरमाते हैं तो उससे हमारे इल्म में भी इजाफा होता है और हमें पता चलता है कि हमारे रब ने हमारे लिए क्या क्या नियमतें तैयार कर रखी। इसलिए वो कहते हैं कि हम बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि अराबी आएँ, बद्दू आएँ, हुजूर से सवाल करें। अच्छा, फिर वो हम तो सोचते भी नहीं थे, वो जो सोच लेते थे उनकी एक तर्ज़ ज़िंदगी थी, एक उनका एक अंदाज़ था, एक तरीक़ा था, फिर एक फसाहत थी, बलागत थी, फिर एक मासूमाना भी सवाल होते थे उनके। ठीक है, ये उन मासूमाना सवालात से फिर हम इस्तेफादा हासिल करते थे। ये वो पाकिस्तान में जो एंकर है ना बादामी, वो वाले मासूम सवाल नहीं, उसके तो बड़े ख़तरनाक सवाल होते हैं जिनको वो कहता है कि मेरे बड़े मासूमाना सवाल है। ना ना, बहरहाल कहने का मकसद है कि मिसाल के तौर पे मैं वो एक रिवायत बयान करते हैं, सुलेम बिन आमिर जो है वो कहते हैं कि सहाबा कहा करते थे, फिर आगे एक रिवायत भी बयान करते हैं, फिर दूंगा रेफरेंस किस किताब में आती है, कि एक रोज़ एक देहाती आया और कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ज़र्रसा दरख्त का तस्किरा किया है और मैं नहीं समझता कि जन्नत में कोई ऐसा दरख्त भी होगा जो जन्नती के लिए तकलीफ़ दे और ज़र्र रसा यानी कि तकलीफ़ देने वाला हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई वो कौन सा दरख्त है जिसके बारे में तुम्हारे जहन में सवाल पैदा हुआ है? तो कहने लगा, बेरी का दरख्त। देखे ना, बेरी के दरख्त में आपने कभी देखा हो, मुझे पता नहीं आपने देखे हैं कि नहीं देखे, बेर के उसमें कांटे होते हैं, बड़े ख़तरनाक तकलीफ़ से कांटे होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ना, तुम्हारे रब ने सूरह वाकिया में क्या फरमाया, फ़ी सिदरिन मखदूद, है ना, अल्लाह ने क्या फरमाया, यानी ऐसी बेरियाँ जो बेखार होंगी। अल्लाह ताला ने इसके कांटे ख़त्म करके हर कांटे की जगह एक फल लगा दिया है। इस फल के 72 रंग और जायक़े होंगे और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिन्हा अला इथनैन व सबईन लौन मिन ताम वमा फीहा लौन युशब्बिहु अलआखर आखर। अच्छा, अब इस रिवायत को अतरगीब व तरहीब में रिवायत किया गया है, दर्जा सही की रिवायत है लेकिन सहीली गैरी ही है, यानी एक और रिवायत है जो दर्जा सही पर पहुंचती है, उसकी वजह से ये दर्जा सही पर आती है, तो सहीली गैरी ही होती है वो रिवायत, कि गैर रिवायत की वजह से ये रिवायत दर्जा सही पर पहुंच गई और इसे फिर इब्ने अबी दुनिया ने भी रिवायत किया है। तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि रब ने नेक बंदों के लिए जन्नत में क्या प्यारा इंतज़ाम किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم। और आपकी सहूलत के लिए WhatsApp का ग्रुप भी बना हुआ है और Telegram का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।